तो बाबा लोग आज बात करेंगे कि मोस्ट पावरफुल टारगेरियन कौन रहा है, ऑल्सो गुड डिप्लोमेट कौन था, गुड वॉरियर कौन था एंड मच इंटेलिजेंट कौन था। जहां मेरी नजर में भाई इस बार हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के दौरान 5 नाम जबरदस्त चर्चे में देखने को मिले हैं। फर्स्ट एमन टारगेरियन, सेकंड डेमन टारगेरियन, थर्ड रेनीरा टारगेरियन, फोर्थ डेनेरिस टारगेरियन एंड फिफ्थ एगोन द कॉन्करर, यानी एगोन फर्स्ट टारगेरियन जो था भाई साहब, जिसने पूरे 7 किंगडम को कॉन्कर किया था। लेकिन हम सिर्फ इसमें 100 से रिलेटेड चार टारगेरियन की ही बात करेंगे। एगोन द कॉन्करर की बात किसी सेपरेट वीडियो में अलग से करी जाएगी क्योंकि वो लीजेंड है। तो एक एक करके बात करते हैं बाबा। पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 से रिलेटेड टारगेरियंस की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट नाम आता है एमन टारगेरियन का, जिसने भाई साहब इस सीजन 2 की काया ही पलट के रख दी है, जिसने लिटरली ब्लैक्स की लेके रखी थी पूरे सीजन 2 में। अगर ब्लैक्स के पास बास्टर्ड ड्रैगन ना होते तो इसे हरा पाना सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्किल्ड वॉरियर, ऑल्सो अच्छा तलवारबाज योद्धा भी है, बहादुर एंड ब्रेव बहुत ज्यादा है, गुड ड्रैगन राइडर है, बहुत कम उम्र में ड्रैगन पर अच्छा खासा कंट्रोल किया और बैटलफील्ड पर दुश्मनों को मात भी दिया है। रेनीज के खिलाफ भाई साहब काबिले तारीफ ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन डिप्लोमेसी के मामले में 0, गुड लीडर और गुड किंग बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हद तक तानाशाह है, क्रूअल बहुत ज्यादा है, दयालु बिल्कुल भी नहीं है। इसके टाइम पर प्रजा काफी परेशान रही थी, भुखमरी वगैरह से परेशान थी, जो आपने सीजन 2 में भी देखा था, जहां पर रेनीरा को इसका फायदा मिल गया था और एक अच्छी खासी डिप्लोमेसी उसने खेली थी, खाना वाना पहुंचा के किंग्स लैंडिंग की प्रजा के लिए, ताकि प्रजा वहां पर उनका बहिष्कार करने लग जाए, और सेम वैसा ही हुआ जैसा रेनीरा ने चाहा था। हाँ, एक अच्छा खासा वॉरियर है, बेस्ट है, जीतने का हमेशा इसके सर पर जुनून दौड़ता रहता है और टारगेरियन का खौफ फैलाने के लिए जबरदस्त योगदान रहा है इसका। एडवांटेज बिग ड्रैगन था वेगार, क्वीन ऑफ ड्रैगन्स। बात करें सेकंड कौन है भाई साहब, डेमन टारगेरियन, एक मात्र ब्लैक्स की तरफ से ऐसा फाइन वॉरियर जिसकी वजह से ग्रीन्स की रूह कांपती थी, और एकमात्र बंदा जो एमन टारगेरियन को मारेगा। ये भी अपनी जवानी के टाइम पर काफी क्रूअल और गर्म खून का था, अग्रेसिव बिहेवियर था, अग्रेसिव एटीट्यूड था, सबकी फाड़ के रखता था इसका अग्रेसिव एटीट्यूड। वॉरियर के नाम पर एक नंबर, कहीं से कहीं तक भाई साहब कोई से टक्कर नहीं दे सकता था। ही इज इंटेलिजेंट इन बैटलफील्ड, गुड ड्रैगन राइडर था, लीडर और बहुत ब्रेव पर्सन है, अकेला ही आर्मी से भिड़ने की ताकत रखता है। जहां पर आपने देखा भी होगा सीजन 2 में भाई साहब हैरन हॉल पर अकेला जाकर धावा बोल देता है, कब्जा कर लेता है, जो इसकी ब्रेवरी को प्रूव करता है कि ये निडर था और अकेले भिड़ने में कभी डरता नहीं था। स्किल्ड वॉरियर था, अच्छा तलवारबाज है, लेकिन अपने मन की ही करता है, जिसे हर बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है और सीजन 2 में भी इसे भुगतना पड़ा बहुत कुछ। डिप्लोमेसी बिल्कुल भी 0 है, डिप्लोमेसी के नाम पर बिल्कुल 0 है, किंग बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल 0 है, सिर्फ पावर का नशा रहता है, बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा काइंड हुआ है, टारगेरियंस का खौफ बनाए रखने में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, काफी बैटल्स लड़ी हैं तो बैटल्स के मामले में हाई एक्सपीरियंस्ड है। थर्ड बात करें तो भाई साहब रेनीरा टारगेरियन, राइटफुल एयर ऑफ आयरन थ्रोन, और इस बंदी की फाइन डिप्लोमेसी थी और यही इसका सबसे बड़ा हथियार था, काफी इंटेलिजेंट है, जबकि जब ये अलग हुई थी ग्रीन से तो इसके पास ना कोई आर्मी थी ना कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन था, बट अपनी हाई इंटेलिजेंस और अच्छी सूझबूझ से ना कि सिर्फ एक आर्मी तैयार करी बल्कि लोगों के लिए, लोगों को मन में ये भी भरोसा दिलाया या फिर उनको ये भी भरोसा दिलाया कि ये एक फाइन रूलर बन सकती है और बनेगी भी, क्योंकि ऑड्स इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद भी सब कुछ अपने लिए फेवरेबल बनाया, कोई खतरनाक ड्रैगन नहीं है इसके पास, ना ही ये कोई अच्छी हाई एक्सपीरियंस बैटलफील्ड राइडर है, बस इसकी डिप्लोमेसी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। सिविल वॉर में ग्रीन्स की मजी हुई आर्मी के दांत खट्टे कर दिए थे इसने, टुकड़ी टुकड़ी आर्मी को जोड़कर। बहुत अच्छी क्वीन बनती अगर सिविल वॉर में जल्द ही नहीं मरती, इसकी जान ना ली जाती तो, जिससे सिर्फ टारगेरियन ही नहीं पूरे वेस्टरोस की भी भलाई होती अच्छी खासी। फोर्थ एंड लास्ट बाई वन ऑफ माई फेवरेट डेनेरिस टारगेरियन, ये भी डिप्लोमेसी के मामले में एक नंबर थी और उसके बाद वॉरियरशिप में भी ये एक नंबर थी। इसके पास 3 ड्रैगन थे जिसका पावर भरपूर था इसके पास, साथ में अनसेलिड की निडर सेना भी थी और खूंखार दरिंदों की दोतरा की आर्मी भी थी, एंड ऑल्सो सी इज वेरी सेवेज एंड निडर ब्रेव टारगेरियन रही थी। इस एक बंदी ने पूरे साम्राज्य को एक तरफ से खड़ा करा था,
स्टेप टू स्टेप जीतते हुए आगे चली गई थी। इसमें साफ साफ झलक एगोन दी कॉन्करर की देखने को मिलती थी, क्योंकि उसने भी अपनी पूरी जर्नी में 7 किंगडम को कॉन्कर किया था और सेम चीज इसने भी करी है। और सिमिलरिटी बिटवीन डेनेरिस एंड एगोन दी कॉन्करर इज दैट दोनों के पास 3 ड्रैगन थे जिनकी मदद से उन्होंने सातों साम्राज्य को जीता था। एगोन के पास 3 ड्रैगन थे, बलेरियन, वेगार एंड मेराक्सिस। सेम डेनेरिस के पास बलेरियन की ही औलाद 3 ड्रैगन थी, ड्रोगोन, विसेरियन एंड रेगाल्ड। सिमिलर जर्नी बोथ ऑफ देम। मेरी नजर में डेनेरिस ब्रेवेस्ट टारगेरियन थी भाई साहब, जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ अकेली यह बंदी थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि मेरा आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि इसे एक सौदे के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा था इसके भाई रेगार टारगेरियन के द्वारा, कि मैं तुम्हें अपनी बहन दूंगा, तुम बदले में मुझे साम्राज्य जीत के दो, सातों साम्राज्य, जो खाल ड्रोगो से इसका शादी वगैरह करा देते हैं। खाल ड्रोगो भाई क्या दरिंदा था, कितना बुरी तरीके से पेलता था हर रोज रात को इसे, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा ही होगा। तो कुछ भी नहीं था इसके पास, लेकिन वहां से उसने जाने जैसे तैसे वो चीजें अपने फेवर में लाई और फिर वो जैसे तैसे अपनी एक आर्मी तैयार करी और जीतने का जुनून सवार हो गया। लेकिन अपनी फाइन डिप्लोमेसी से जबरदस्त आर्मी इसने सेट करी और बैक टू बैक 2 जायंट वॉर में पार्टिसिपेट किया और इन्हें फेस भी किया, टैकल भी किया और उन्हें डिफीट भी किया। पहला था व्हाइट वॉकर के खिलाफ, भाई साहब जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और ये हम सब ने देखा ही देखा था। देन उसके बाद कुछ समय बाद सीधे किंग्स लैंडिंग पर धावा बोला और कॉन्कर भी किया। लगभग पूरे वेस्टरोस को जीतते हुए इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी। अगेन टारगेरियन का वर्चस्व बनाने में की रोल था इसका। तो भाई साहब ये चार टारगेरियंस थे जो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के दौरान काफी चर्चे में चल रहे थे। हाँ, पांचवें एगोन दी कॉन्करर भी थे, लेकिन उन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो उसी की चर्चा करेंगे, उसी की गाथा गाएंगे। तो भाई इन चारों में से आपका फेवरेट टारगेरियन कौन रहा, और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 भी जबरदस्त था, आपका इन चारों में से कौन सा फेवरेट टारगेरियन रहा है नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी इसके अलावा भी और कोई फेवरेट रहा है तो नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना सकते हैं भाई साहब वो भी बता के जाना। हाँ, एगोन दी कॉन्करर पे तो वीडियो बनेगी ही बनेगी, उसकी चिंता मत करना, एक आध दिन बाद वो आ जाएगी। बाकी भाई यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।